आजादी का अमृत महोत्सव उपलक्षे केंद्रीय सरकार युव एवं क्रीड़ा विषय मंत्रक उद्योगे शुरू हवा फ्रीडम राइडर बाइक रैली जिरिबाम सीमांत हुए गतकाल विकेले शिलचर एसे पौंछेछे। गतकाल रात शिलचरे काटिए आज सकाले प्रशासनेर पक्ष थेके तादेरके शिलचर गांधी भवने संबर्धना देवा हय। बाइक रैलीते उपस्थित छिलेन 64 जन पुरुष एवं 11 जन महिला। এই সব বিষয়ে টিম লিডার হর্ষেল মোদি এবং মহিলাদের মধ্যে জ্যোতি বক্তব্য রাখেন। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम आज़ाद 75 साल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है हमारे देश में लास्ट ईयर से, तो उसी के पार्ट में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव में 75 दिन के लिए 75 राइडर और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से और 75 इवेंट कर रहे हैं पूरे देश भर में, और इसको हम यूनिटी विद यूनिटी विद डाइवर्सिटी और फिट इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा मेन मतलब यही है कि यूनिटी विद डाइवर्सिटी और फिट इंडिया को फिटनेस ग्रेड हम इसको इंस्पायर करें लोगों को, और उस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पूरे देश में उसको एक मोटिव करें। मेरा नाम ज्योति है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। बहुत अच्छा रहा ये जो हमें मौका दिया है हर्षल मोदी ने। सो इट इज़ लाइक हम लोग पूरा ऑल इंडिया राइड कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ कम्प्लीशन फॉर आज़ादी ऑफ अमृत महोत्सव। तो इसमें जो एक्सपीरियंस आ रहा है, खासकर मुझे मैंने नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा इससे पहले, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये जगह। ठीक है थोड़ा सा ऑफ रूटिंग है, रोड्स अच्छे नहीं हैं, बट यहाँ के लोग, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ के हर चीज़ इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है कि वापस आओ और वापस ये जगह विज़िट करो। तो बहुत मज़ा आ रहा है, खासकर लेडीज़ के लिए जो हम 8-10 लड़कियाँ निकली हैं अपने अपने घर से अपने फैमिली को छोड़ के। तो हम लोग को यहाँ के एकदम घर जैसा फील होता है, हर एक के साथ में इतना बॉन्डिंग है, इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे भाई बहन हैं, तो इट्स गुड, अच्छा लग रहा है। এরপর মঞ্চে বাইক র্যালির সবাইকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে এই বাইক র্যালি বিষয়ে শিলচরের বিধায়ক দিবায়ন চক্রবর্তী ও ডিডিসি রাজীব রায় বক্তব্য রাখেন। পরে একসাথে পতাকা উড়িয়ে বাইক র্যালির যাত্রা শুরু করেন বিধায়ক দিবায়ন চক্রবর্তী ও ডিডিসি রাজীব রায়। তারপর শিলচর থেকে এই বাইক র্যালি মিজোরামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। শিলচর থেকে দীপক পালের রিপোর্ট, সিএনএন 24 নিউজ।